ओके हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सूडो कोड पार्ट 6 की। इसके पहले अगर आपने कोई सा भी पार्ट मिस कर दिया तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। पार्ट एक भी पार्ट आप प्लीज़ मिस मत करिए। सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए मैंने उसमें। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए इसको, ठीक है। और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आप नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मेरे पास कुछ सूडो कोड ये हैगा फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि मैंने मेरे पास व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन सूडो कोड, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू आई डोंट नो। सो फ्रेंड्स देखते हैं इसको। तो मेरे पास सी की वैल्यू प्लस प्लस बी है, इट मीन्स डेट मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है। इधर ही हम लिखते जाएंगे ए की वैल्यू। इधर मैं इधर लेट सपोज ए की वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। लेट सपोज मैं यहीं ऊपर ही इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता जाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये यहाँ जो इंट है ना, मैं इधर ही इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता जाऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैं इसको अलग कलर से चेंज कर देता हूँ ताकि यहीं अपन करते जाएं काम, ठीक है फ्रेंड्स। सो देखिए ए की वैल्यू, अभी सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, प्लस प्लस बी, इट मीन्स दैट बी में कितना भी 20, तो प्लस प्लस लगा तो ये हो गया 21, और सी में भी कितना आ गया मेरे पास 21, ठीक है। सो देखिए फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में जब ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, बी इक्वल टू ए प्लस प्लस, मतलब बी में क्या हो, ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू क्या है पहले, ये देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये जो था वो प्री इंक्रीमेंट था, ठीक है फ्रेंड्स। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्या होता है। तो देखिए ये क्या था, प्री इंक्रीमेंट था, तो मैंने प्री इंक्रीमेंट कर दिया और सी में 21 आ गया। और बी में क्या हुआ, ए की वैल्यू पोस्ट है, तो मतलब ए की वैल्यू जो है वही बी में आया, तो बी में कितनी हो गई मेरे पास, अब 10 वैल्यू हो गई बी की, में मेरे पास 10 हो गई। और ए प्लस प्लस मतलब ए में जो प्लस प्लस था, ए में प्लस प्लस 11 हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब फिर मैंने देखा ए इक्वल टू ए प्लस प्लस, ए में अभी कितना है, ये देखिए ये स्टेटमेंट ऐसे लिखा गया, ए इक्वल टू लेट सपोज ए इक्वल टू यस ए इक्वल टू, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो देखिए ए इक्वल टू का लिखा है, ए की वैल्यू अभी मेरे पास 11 है, ए की वैल्यू मेरे पास लेट सपोज 11 है, और प्लस 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 बी, बी में कितना है 10, और बी प्लस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। सो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई इधर, ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 22, ए की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे क्या 22, और बी की वैल्यू मैंने प्लस प्लस करी इंक्रीमेंट यहाँ पे, तो फ्रेंड्स बी की वैल्यू जो है अभी 11 हो जाएगी, ठीक है। और ए की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई है 22, तो फ्रेंड्स मेरे पास करेक्ट आउटपुट ये वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये वाला कोड आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ थोड़ा सा स्किप करके फिर एक बार उसको दोबारा देखिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये आएगा इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी डी। अब सी में क्या है, वही जैसे हमने पहले वीडियो में किया वैसे हम इसमें भी कर देते हैं फटाफट से। तो देखिए इधर सी में, इधर बी में, एंड इधर डी में फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए बी में, सी में क्या आया माइनस, ये क्या है प्री इंक्रीमेंट है, तो सी में मेरे पास क्या आ गया, सी इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास माइनस इंक्रीमेंट हुआ है बी में, तो इट मीन्स डेट 19 हो गया, सी की वैल्यू 19 हो गई, ठीक है। तो मैं लेट सपोज ऊपर ही चेंज कर देता हूँ ना, सबसे बढ़िया सी इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 19, एंड बी इक्वल टू क्या माइनस माइनस ए, तो बी में तो अभी क्या हुआ देखिए, ये डिक्रीमेंट हुआ है बी में, तो बी में यहाँ पे भी डिक्रीमेंट होगा, सो यहाँ पे हमारे पास 19 बचेगा बी में। अब देखिए बी में क्या आया माइनस माइनस ए, तो ए में 10 है, और ए में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ कितना हुआ 9 आ गया, और बी में भी अब 9 ही आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, डी इक्वल टू ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस वो मतलब ए की वैल्यू 10 हो गई, एंड माइनस प्लस प्लस बी, ए की वैल्यू अभी मेरे पास जो यहाँ पे डी था ना फ्रेंड्स, इसमें इसमें क्या होगा कि डी इक्वल टू क्या होगा, देखिए डी इक्वल टू क्या मेरे पास ए की वैल्यू अभी कितनी थी 10, 10 9 थी, सॉरी फ्रेंड्स 9 थी ना, ए की वैल्यू देख लेता हूँ इसको, ये देखिए ए की वैल्यू मेरे पास 9 थी, फिर डी में कितना है मेरे पास अभी 9 आया, 9 प्लस कलर चेंज कर देता हूँ 9 प्लस, और ए में इंक्रीमेंट हो गया, तो ए में मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे फ्रेंड्स 10 आ गया मेरे पास, ठीक है ना। अब देखिए ए 9 प्लस हुआ माइनस प्लस प्लस बी, बी में कितना है 9, बट प्लस कितना होगा 10, सॉरी माइनस कितना होगा 10,
क्यों? क्योंकि प्री है ये. सो फ्रेंड्स इक्वल टू मैंने लिख दिया ये 10, ठीक है. और प्लस सी, सी की वैल्यू प्लस में आ जाएगी, प्लस सी में कितना है अभी 19, तो मैंने 19 ली, तो पोस्ट इंक्रीमेंट सी में हुआ तो मेरे पास सी में आ गया 20. और इसको जब मैंने सोल्व किया तो फ्रेंड्स मेरे पास आया कितना. सो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू कितनी हुई हमारे पास, यस 18 हो गई मेरे पास सी की वैल्यू. तो फ्रेंड्स डी की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे 18 बस. अब आप चेक कर लीजिए इसमें कौन सा आंसर है. 10 10 20 18, ये देखिए 10 10 20 18 फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया. चलिए नेक्स्ट कोड देखते हैं फटाफट से. ये देखिए फ्रेंड्स ये भी बड़ा इजी कोड है. इंट ए इक्वल टू 10, एन इक्वल टू 20, आई की वैल्यू 4, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन माइनस माइनस. फ्रेंड्स हर बार मैंने क्या करा है, एन में भी इंक्रीमेंट किया है और आई में डिक्रीमेंट किया है. सो फ्रेंड्स जब ये लूप एग्जीक्यूट करेगा तो हमारा करेक्ट आंसर ये वाला आएगा. फ्रेंड्स आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि इसको, ठीक है. जैसे ही फर्स्ट वाला लूप चला तो मैं आपको चला के बता देता हूँ फटाफट से. लेट सपोज आई की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं. फ्रेंड्स देखिए आई की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू 20 है. सो आई की वैल्यू जब 1 होगी, आई की वैल्यू जब 0 है तो एन की वैल्यू ऑटोमेटिकली 19 हो जाएगी, ठीक है. देन आई की वैल्यू जब 1 होगी सो ये 18 हो जाएगा. देन 2 होगी, देन ये लेट से 17 हो जाएगा. सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसको, आप कर लेना. मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं बता रहा, इजी क्वेश्चन है ये. 0 9 इसका आउटपुट होगा, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट मेरे पास ये इंट आई 4, आई इक्वल टू 10, आई और आई माइनस माइनस. फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, जब भी आई की वैल्यू प्रिंट होगी, आई की वैल्यू प्रिंट कैसे होगी, आई की वैल्यू प्रिंट होगी फ्रेंड्स, एरर नहीं आएगी इसमें. इसमें क्या होगा, 10 9 8 6 7 5 4 1 तक ये चलेगा, जैसी आई की वैल्यू 0 हुई तो फ्रेंड कंडीशन फॉल्स कर जाएगी. और ये ई एफ एल का मतलब बिरता है एंड फॉर लूप, ठीक है फ्रेंड्स. इसका आंसर कितना आएगा, ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, 10 से लेकर 1 तक ये चलेगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट मेरे पास है इंट ए इक्वल टू 10, एन इक्वल टू 20, आई आई की वैल्यू चली ऐसे और आई की वैल्यू एन प्लस प्लस कर दी और आई प्लस प्लस. फ्रेंड्स इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, आई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है, और जो एन की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो रही है. सो फ्रेंड्स जब दोनों इंक्रीमेंट होगी तो कंडीशन तो कभी ट्रू होगी नहीं. क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमेशा 20 जब इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट होता रहेगा 20 21 22 थ्रू. सिमिलरली 10 11 12, तो फ्रेंड्स 10 और 20 साथ में दोनों इंक्रीमेंट होते रहेंगे, 10 इधर 20 11 21. सो ऐसे फ्रेंड्स ये इनफाइनाइट लूप पे जाएगा. सो फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर जो होगा इनफाइनाइट लूप होगा, ओके. सो लास्ट कोड देखते हैं. लास्ट कोड मेरे पास ये इंट ए इक्वल टू 10, एन इक्वल टू 20, आई और जे. मैंने एक लूप चलाया जिसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं दी है और दूसरे जो लूप है उसमें भी कोई भी कंडीशन नहीं है. फ्रेंड जब कोई भी कंडीशन नहीं है तो मैं कैसे चेक करूँ. और फ्रेंड्स जब मैंने ये इफ कंडीशन लगाई तो प्रिंट आई कर रहा हूँ और ब्रेक करवा रहा हूँ, केवल एक ही लूप ब्रेक हो रहा है फ्रेंड्स. जो लास्ट सेकेंड जो फर्स्ट लूप है इसकी कोई कंडीशन ही नहीं थी फ्रेंड्स मैंने. सो इसीलिए ये भी इनफाइनाइट लूप जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स. फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो. फ्रेंड ये देखिए मैंने पाइथन का प्रोजेक्ट बनाया बस टिकटिंग मशीन पे, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. अगर आप चाहें तो उसको वो वीडियो भी देख सकते हैं. उसका सोर्स कोड चाहिए तो आप मेरे को उस वीडियो में बताएं मैंने सोर्स कोड कैसे मिलेगा आपको, ठीक है. और अगर आप चाहें तो ये परचेस कर सकते हैं सी लैंग्वेज 99 में, वेरी बहुत ही कम पैसे में है फ्रेंड्स. एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया इसलिए इसकी कम ही प्राइस रखा है मैंने. इसमें आपको अच्छे से पढ़ाएंगे और देख लीजिए कॉम्पिटेटिव कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा आपको थोड़ी देर में फ्री, ठीक है ना फ्रेंड्स. और इसका स्क्रीनशॉट आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने जूनियर हो, अगर आप फर्स्ट ईयर में तो आपको तो ये करना ही चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है. और अगर आप लास्ट ईयर के या थर्ड ईयर के तो प्लीज़ अपने जूनियर्स को भी ये सजेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स. थैंक यू. आप चाहे तो टेलीग्राम के ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. आप प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, ठीक है. थैंक यू वेरी मच.